रेवाड़ी में निजी स्कूल के शिक्षक की हैवानियत आई सामने। जाति के नाम पर नौवीं कक्षा के छात्र के साथ प्रताड़ना के लगे आरोप। तबीयत बिगड़ी तो बच्चे को करवाया गया ट्रामा सेंटर में भर्ती। जाति पूछकर छात्र को पीटने के लगे आरोप। परिजनों का आरोप, स्कूल प्रबंधन ने भी शिकायत के बाद नहीं की कोई कार्रवाई। छात्र का मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। महेंद्रगढ़ रोड स्थित निजी स्कूल के गणित के अध्यापक आशुतोष दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। स्कूल के डायरेक्टर द्वारा घर पर आकर मानहानि का केस दर्ज कराने की धमकी देने का भी आरोप। मेरा नाम सत्यवान है, मैं गुलाबी बाग यादव नगर करन हाल निवासी हूं। मैंने इसी सेशन के लिए अपने बेटे और बेटी का दाखिला क्रमशः 9वीं और 6ठी क्लास के लिए टैगोर स्कूल जाडरा में कराया था, जो कि वहां पे एडमिशन के बाद शुरुआत में सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन एक महीने के बाद मेरे बेटे ने मेरे को बताया कि जो मैथ्स के टीचर हैं उनका व्यवहार उनके प्रति ठीक नहीं है। मैंने बेटे को समझाया कि भाई अभी नए माहौल में हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो सब कोई पॉजिटिव उसकी रिपोर्ट आई नहीं। उसके बाद 3 दिन पहले मेरे बेटे को नोटबुक घर पे भूल जाने की ही वजह से मैथ के टीचर मिस्टर आशुतोष पांडे ने बेरहमी से उसकी पिटाई करी। और जैसे मैंने कहा कि भाई बच्चे ने आके घर बताया कि भाई मेरे साथ मारपीट हुई है, तो हमने जैसे अपने सत्र पे जाना, उसको डॉक्टर के पास लेके गए तो डॉक्टर ने चोट को गंभीर बताया। उसके बाद हमने किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई में ना पढ़ने का उचित समझा और स्कूल में जाके बात करने के बारे में उचित समझा। वहाँ पे मेरे घर से बाहर होने के कारण मेरी वाइफ वहाँ गई, तो वहाँ जाके प्रिंसिपल मैडम से बात करी तो उन्होंने भी मेरी वाइफ के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया। तू तड़ाके से बात हुई और ये कहा कि आप छोटी छोटी बातों को लेके यहाँ आ जाते हो और ये है वो है। जब मेरी वाइफ ने सारी चीज़ें उसके सामने रखी तो उसके बाद वो थोड़ी सी उसमें आके उन्होंने कहा चलो मैं आपको डायरेक्टर साहब से मिला देती हूँ। डायरेक्टर साहब ने भी कहा कि हम टीचर को से बात करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उन्होंने टीचर को बुला के किसी प्रकार की कोई मतलब शिकायत दर्ज नहीं कराई और ना ही मतलब हमारे से बात कराई कि भाई ये सब क्यों हुआ। उसके बाद मेरी वाइफ ने पर्सनली रिसेप्शनिस्ट से जाना कि भाई सर से मिलना है, तो वो वहाँ मिले तो उनको कहा कि भाई आपने मेरे बेटे के साथ मारपीट करी, इतनी बुरी तरह से बच्चे को कौन मारता है। तो उसने कहा कि भाई बेटा आपका जो है बहुत एटीट्यूड दिखा रहा है, जबकि मेरा बेटा केवल 14 साल का है, वो उसमें अभी क्या एटीट्यूड होगा। तो उसके बाद उसने कहा कि भाई ये क्या एटीट्यूड आपको दिखाएगा, तो उसने कहा कि नहीं मैं तो ऐसे ही मारूंगा, जो तुम लोगों से बन पड़े वो कर लो और ये सब मैं तो ऐसे ही करूँगा, हमारा तो यही रूल है। एक मसला, जिस तरह से आपने जाति सूचक शब्द उसने यूज किए, तो हाँ। आपको कैसे लगा कि इस तरह के वर्ड यूज, क्योंकि बच्चा की छोटा बच्चा है वैसे भी कह सकता है। इसने सर जो हमें बताया कि भाई बीच में कभी एक बार उसने बुला के इस बारे में पूछा था, उसके बाद ये है कि वहाँ के स्टूडेंट्स क्लास के और भी हैं, उनके सामने वो ये बोलते हैं कि भाई यादव लोग हैं यहाँ पे जो आज ताकतवर बने फिर रहे हैं, हमारे एरिया में तो इनको चोर और डकैत समझा जाता है, और जैसे ये यहाँ पे जो है चूड़े चमार हैं वो ये चोरी जकारी का काम करते हैं और ये अपने आप में वो बनते हैं। तो इन सब चीज़ों से लगा कि हमें लगा कि भाई ये जाति सूचक मानसिकता उसकी है, जो कि बच्चे के साथ वो इस तरीके से रिलेट कर रहा है, और केवल जाति ही एक आधार हो सकता है, नहीं तो बच्चा मेरा परफॉर्मिंग है, वो क्लास में टॉप 3 स्टूडेंट्स में उसका नाम है, तो हमें नहीं लगता कि भाई किसी पढ़ाई के विषय में लेके उसकी मारपीट इतनी हुई होगी। बच्चे ने पहले भी अभी कभी आपको बताया इस बारे में? हाँ, बच्चे के साथ हम अपना जैसे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, तो कोई भी बात होती है तो वो आके हमें बताते हैं, लेकिन हमें पहले ये लग रहा था कि नया स्कूल है या कोई बात है, धीरे धीरे कोई नहीं हंसी मस्करी में ये बात हो गई होगी ये, लेकिन एट लास्ट जब रिजल्ट ये आया है तो हमें लगा कि हमें बच्चे के बारे में पहले ही इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए था। और बाकी मैं तो जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों को काउंसिल करें और उनसे पता करें कि कहीं उनके बच्चों के साथ भी इस तरीके से कोई व्यवहार तो नहीं हो रहा है, और ताकि आपके बच्चे
इस चीज़ को लेकर सफ़र ना करें। तो आपने मुकदमा कब दर्ज कराया फिर? जैसे जिस टाइम पे हम डॉक्टर के पास लेके गया तो MLR हुई, नेक्स्ट डे हमने स्कूल लेवल पे इसको समेटना चाहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरी वाइफ के साथ जो वहाँ गई थी उसके साथ भी मिसबिहेव किया और देख लेने की धमकी दी और आगे भी ऐसे ही पिटाई करते रहने की बात कही, तो हमें लगा कि हमें कानून का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, अभी आज हमारे जो उनके डायरेक्टर हैं, जो भी चेयरमैन हैं, उनसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हमारा समाधान हो गया, समझौता हो, कुछ हो गया, इस तरह की बात करें। अब आप क्या कार्रवाई चाहते हैं या फिर आपका समझौता होगा इसी को भी सर करना चाहते हैं? जैसे समाधान अगर होगा तो सारी बात ही हो जाएंगे, समाधान तो कुछ हुआ ही नहीं है। जैसे जिसने मान लो ये अपराध किया है, कोई बात मतलब कि आके उसकी तरफ से एक लफ्ज़ भी ये नहीं बोला गया है कि भाई मेरे से गलती हो गई है या कोई बात है, या ये जो भी मतलब प्रिंसिपल सर हैं या डायरेक्टर सर हैं वो मामले में लिपापोती चाहते हैं और वो ये सोचते हैं कि भाई ये छोटी छोटी बातें हैं और इनसे किसी का क्या बिगड़ना है। हम प्रशासन का पूरी तरीके से धन्यवाद देना चाहते हैं, पुलिस प्रशासन ने जितनी गंभीरता से और त्वरित कार्यवाही करते हुए जो सराहनीय काम किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं। तो कहीं कार्रवाई चाहते हैं आप? जी हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो भी उचित कार्रवाई हो ताकि बच्चे या भविष्य में कोई सफ़र ना करें, वो कार्रवाई होनी चाहिए। अभी जो है, अभी बताया आपको मैसेज में कि डायरेक्टर भी यहाँ आए थे अभी आपके घर? हाँ हाँ, डायरेक्टर मैडम और प्रिंसिपल मैडम आए थे, तो मैं उस टाइम तक था नहीं, मैं कहीं आउट ऑफ स्टेशन था, तो मेरी वाइफ से उनकी बात हुई तो उन्होंने भी यही मतलब जो बात हुई थी वो तो चाह रहे थे कि भाई पैचअप हो जाए, लेकिन मेरी वाइफ ने तो सर यही कहा कि भाई हम ये चाहते हैं कि भाई न्याय हो। ठीक है, स्कूल जाते हैं, कुछ बताया आपने, एक शिकायत दी, मुकदमा दर्ज, क्या पूरा मामला है? आप भी गए थे स्कूल में, आपके साथ क्या? सर मैं स्कूल में गई, मैंने प्रिंसिपल मैडम से बात की, तो मैडम से बात की तो मैडम ने मेरे बच्चे को बुलाया और मेरे सामने मेरे बच्चों को डांटा और बोली मैडम बच्चे ने कुछ ना कुछ हरकत की होगी तभी सर ने इनकी पिटाई की है। मैंने कहा मैम पिटाई ज़्यादा कर रखी है, तो बोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, बच्चे के मार दिया होगा, बच्चे को मेरे सामने डांट के। और फिर बाद में मैंने कहा मैडम आप बोलिए, फिर मेरे को भी बोलने लगे कि मैडम बच्चे की ज़्यादा सपोर्ट नहीं लेते हैं और आप है ना भाई अपने बच्चों को भी डांटिए। मैंने कहा मैम मेरे से ये बताओ भाई मेरा बच्चा, ये नंबर जो आपने दिए हुए हैं 20 में से 19 नंबर ये आपके ही हाथों से गए होंगे, ये मैंने तो बनाई नहीं है, मेरा बच्चा 2 महीने हुए हैं आपके स्कूल में आए हुए, तो ये हर सप्ते आपका टेस्ट होता है तो टेस्ट में ये नंबर आ रहे हैं, तो शायद तो बच्चा होशियार होगा, ये तो है नहीं कि इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन फिर भी भाई किस वजह से पिटाई की है सर ने? एक नोटबुक ही तो नहीं लेके आया था। बोली मैम भाई मैं ठीक है मैं सर से बात करूँगी। मैंने कहा मैम आप है ना प्लीज़ सर को बुला दो, बेटे को बुला दो और कॉम्प्रोमाइज यहीं पर ही हो जाएगा। तो सर वो बोले नहीं मैम आप है ना डायरेक्टर सर से मिलिए। फिर उन्होंने मेरे को डायरेक्टर सर के पास भेज दिया। डायरेक्टर सर के पास मैं गई, उन्होंने मेरे से 2 बात ठीक से की कि मैम ठीक है मैं उनको समझाऊंगा सर को और बच्चे को भी मैं समझा दूंगा। मैंने कहा सर प्लीज़ आप है ना बस एक बार बुला दो दोनों को ताकि मुझे फिर ये लगे कि हाँ भाई दोनों की मेरे सामने बात होगी। कभी टीचर मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाई नहीं कि भाई तेरी मम्मी शिकायत लेके आई थी। तो सर फिर बोले नहीं मैडम ऐसी कुछ बात नहीं है। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर वो ये भी कहते हैं कि भाई तू तो जाति से चमार है और ये शब्द भी उठ के आ रहे। मैंने कहा सर ये शोभा नहीं देता है भाई, स्कूल में आप शिक्षा देते हो, कोई यहाँ जातिवाद ही नहीं फैलाना हमें, और हरियाणा में तो खासकर यूपी के लोग आके यहाँ पे जातिवाद फैला रहे हैं। तो सर बोले मैडम ऐसी कुछ बात नहीं है। चेयरमैन सर बोले, उन्होंने मेरे से फिर अम्बेडकर की गाथा सुनानी शुरू कर दी और मेरा टाइम 15 मिनट मेरे वहीं पे ही ख़राब कर दिए। और फिर लास्ट टाइम में बोले मैडम ठीक है आप जा सकते हो और मैं अपने आप समाधान करवा दूंगा। अभी डायरेक्टर सर आपके पास आए थे, वो हाँ कह रहे हैं कि पैचअप हो गया, आपने मुकदमा वापस ले लिया, इसमें कितनी सच्चाई? नहीं सर बिल्कुल नहीं, ऐसी कुछ सच्चाई नहीं है। और सर आए थे, सर अब भी अपनी बात नहीं मान रहे कि भाई मैंने कुछ गलत किया या मैंने मैडम की सुनी नहीं। मैंने सर से बोला कि सर आपने मेरी अब तक नहीं सुनी थी, अब आप मान लो मैंने छोटा सा ही तो वो किया है, इसमें आप हिल गए तो मेरे से ये बताओ ना कि भाई कल ही आप सुन लेते ना मेरी, मेरे को कानून का सहारा नहीं लेना पड़ता। मैं कल आपसे न्याय मांगने गई थी लेकिन आपने न्याय तो नहीं दिया। फिर बोले मैडम अब न्याय मिलेगा
और भाई ऐसा कुछ नहीं होएगा, आप बताओ क्या चाहते हो। मैंने कहा सर मैं तो क्या चाहती हूँ भाई, ये जातिवादी ना होए बेफालतू में हरियाणा में, और यूपी के लोग यहाँ पे आके अपनी वो राजनीति फैला रहे हैं, तो सर ये बंद करो। और मेरे बच्चों को फिर भी सर बोल रहे हैं मैडम मेरे स्कूल का नाम ख़राब हो जाएगा, आप है ना एप्लीकेशन वापस ले लो। मैंने कहा सर स्कूल का नाम तो आपने तो मेरे को न्याय नहीं दिया ना, स्कूल का नाम कैसे ख़राब होएगा। तो आप शुरू से ही उसके सपोर्ट में, और सर है ना अब भी उसके सपोर्ट में, अगर सर को ये लगता था तो उसको अगर मान लो उसको साथ लेके आते, वो यहीं पे ही फैसला हो जाता, लेकिन कोई मतलब नहीं है। और आगे मैं कार्रवाई लेना नहीं चाहती हूँ बिल्कुल भी, मेरे को न्याय मिलना चाहिए मेरे बच्चों की। अगर मारी है एक जातिवादी शब्द की है तो मैं नहीं चाहती कि मैं इस कंप्लेंट को वापस लूँगी। आपके बच्चे के लग कितनी मार रखी है? मेरे बच्चे के सर तीन डंडे तो अलग से ही सिर पे उपड़ रहे हैं और तीन उस पे हो रहे हैं। सारी रात मेरे बच्चे के उल्टी, मेरे को पता है रात को मैं पड़ोसियों का सहारा लेके डॉक्टर के गई हूँ, ट्रामा में गई हूँ, तो सारी रात मेरे बच्चों के सिर पे मैंने पट्टी रखी है, बुखार चढ़ा है। सुबह मेरे बच्चों को फिर मैंने ज़बरदस्ती भेजा कि बेटा ऐसे कुछ नहीं होता है और तू जा स्कूल में जा, कोई बात नहीं मैं आऊँगी आज स्कूल में। तो सर मैं स्कूल में गई तो मेरे साथ कोई भी मतलब ऐसी कुछ बातें नहीं हुई जिससे मेरे को ये लगा मेरे ही बच्चे को पीटा, और मेरे साथ ऊपर से सीना जोरी और कर रहे हैं प्रिंसिपल मैडम भी और सर भी कि ठीक है मैडम आप जा सकते हो। मैं सर से मिली हूँ, सर से मैंने कहा सर आशुतोष सर आप ही हैं? बोले हाँ मैम मैं ही हूँ। मैंने कहा सर आपने मेरे बच्चे के क्यों मारी? बोले सर मैडम नोटबुक नहीं लेके आया था। मैंने कहा सर नोटबुक नहीं लेके आया था तो अगर मान लो कल को फिर से नहीं लेके आएगा? बोले फिर से नहीं लेके आएगा ना, ऐसे ही मारूंगा मैं उस बच्चे को। मैंने कहा सर आप ऐसे ही मारोगे ना तो मेरे को कानून का सहारा लेना पड़ेगा। देखो फिर मैं इतने शब्द कह के आ गई, वो बाद में बोलता रहा। उसके बाद चेयरमैन सर बाद में ऊपर गए हैं, बोले मैडम आप जा सकते हो, गुस्से में बोले मेरे से मैडम आप जा सकते हो और मैं अपने आप समझाऊंगा अपने टीचरों को। कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधन ने कभी अभी आपके साथ सपोर्ट नहीं किया समाधान के लिए? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं किया। अब सर चेयरमैन सर मैडम आए थे लेकिन वो उनके फेस से उनके हिसाब से मुझे तो कुछ लगा नहीं कि भाई उनको शर्मिंदगी महसूस हो रही है या उनको कुछ, वो अपना कुछ बड़प्पन सा लेके आए थे कि भाई मेरे से ये और बोल रहे हैं कि मैडम हम मानहानि का केस दर्ज करवा देंगे आपके ऊपर। टीएसपी लेवल का? हाँ जी मानहानि का केस दर्ज करवा देंगे, आपको ही फंसा दिया जाएगा। डराने के लिए आए थे? हाँ जी डराने के लिए आए थे मेरे को और मेरे से ये भी बोल के गए हैं। डीएसपी लेवल का अधिकारी इसमें जांच कर रहे थे, आपकी बात हुई होगी? हाँ जी मेरी सर से बात हुई थी, तो सर से बात हुई तो सर ने बोला मैडम ये प्रिंसिपल मैडम और सर बोल रहे हैं कि मैडम का तो घर गए थे और कॉम्प्रोमाइज हो गया है और मैडम क्या करें। मैंने कहा सर आप अपना काम करो और मैं फिर अपना कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है और सर आप अपनी कार्रवाई शुरू करो। कुल मिलाकर के आपके घर आकर भी प्रेशर बना रहे थे? हाँ जी सर मेरे घर आके प्रेशर बना रहे कि हम मानहानि का केस करेंगे। डराने के प्रयास? हाँ जी डराने का प्रयास कर रहे थे मेरे को। ठीक है जी। सर क्या ये मामला था जो स्टूडेंट को मारा? कल टैगोर स्कूल में एक स्टूडेंट पढ़ता है कर्तव्य नाम का, 9th क्लास का स्टूडेंट है। उसने अपने पेरेंट्स को जाके शिकायत की कि टीचर ने मेरे को पीटा है और मेरे को जाति सूचक शब्द कहे हैं। शाम को थाने पर कंप्लेंट प्राप्त होने पर मुकदमा नंबर 205 रजिस्टर किया गया है। अभी स्कूल के संस्थापक से, प्रिंसिपल मैडम से और टीचर से बातचीत हुई है, मुदई से, और बेटा उनका जो कर्तव्य है वो आज स्कूल में नहीं आया तो उनसे और मुलाकात करेंगे। कंप्लेनेंट का पति जो है वो पानीपत को जॉब करता है, वो बता रहे हैं कि मैंने बातचीत की है तो बता रहे हैं कि जी पानीपत से आने लग रहे हैं, वो घर पहुंचने के बाद हम अपनी डिस्कशन करके आपको फाइनली बात आगे के बारे में बताएंगे। आप प्राथमिक जांच में क्या मिला अभी आप बात करके भी आए, क्या निकल गया? प्राथमिक बात में तो अभी इतना ही है, नॉर्मल है कि टीचर बच्चे को पढ़ाने के लिए और किसी राह पर अच्छी राह दे लेने के लिए कोशिश करता है कि वो होशियार बने, पढ़ाई करके अच्छा स्टूडेंट बने, अच्छी लाइन को पकड़े। तो थोड़ा मोड़ा तो बच्चे का यही सामने आया है कि अभी टीचर द्वारा जो है ना बच्चे को धमकाया गया है, तो किसी पर्सनली एक बच्चे को नहीं धमकाया गया, तो दूसरे बच्चों को भी टीचर ने धमकाया है, उसको भी धमकाया है।
और इस तरह की जो बातें कह रहे हैं कि बच्चे को अलग से बैठाया, अलग जातिवाचक इस तरह के शब्द सूचक कहे, ऐसी कोई बात अभी सामने नहीं आई है। फिर भी हम अब तफ्तीश हमने शुरू कर दी है, जैसी तफ्तीश में बातें आएंगी हम तफ्तीश में स्पष्ट करेंगे और आपको भी अवगत करेंगे। शिकायत में जिस तरीके से कहा गया कि बच्चे से नहीं उसके मदर से भी यहाँ पे जाति सूचक शब्द कहे गए, वो इसमें ऐसा था कि जो बच्चे की मदर थी वो डायरेक्टर साहब से मिल करके और टीचर के पास चली गई जो ऊपर अपनी क्लास में क्लास बच्चों को पढ़ा रहा था, तो वो उसकी मम्मी थोड़ी सी एक आवेश में थी, इसलिए टीचर को भी थोड़ा सा सख्ताई से बोला उन्होंने, टीचर को भी थोड़ा सा उसमें महसूस हुआ, तो वो एक छोटी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अदरवाइज इस तरह की कोई बातें कहने की, किसी को भला बुरा कहने की या बच्चे को इस तरह के शब्द वगैरह कोई जातिवाचक शब्द सूचक कहने की कोई बात अभी सामने नहीं आई। लेकिन जिस तरह अभी प्रिंसिपल से हमारे डायरेक्टर से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि पूरा मामला पैचअप हो गया है, मुकदमे तो दर्ज होते रहते हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, वो आपके सामने उन्होंने ऐसा किया होगा, पुलिस के पास जितनी ओरिजिनल मुकदमे में होगी तफ्तीश में आएगी, हम उसी के अकॉर्डिंग जो है ना आगे अपनी तफ्तीश को बढ़ाएंगे। मौखिक बातें कुछ होती हैं और रिटर्न की कुछ होती है। सर अभी आप गए थे, आपने कहीं ना कहीं क्लीन चिट देते हुए तो आप दिख रहे हैं, उनकी बात सुनने के बाद मुकदमा दर्ज करने क्या जल्दबाजी थी कि आपने मुकदमा दर्ज कर दिया? एससी एसटी एक्ट में देखो, ऐसा एससी एसटी एक्ट की बात नहीं है, कम शिकायत जो भी थाने पर प्राप्त होती है उसका मुकदमा दर्ज तुरंत करते हैं और करना भी चाहिए। आगे तफ्तीश का हिस्सा है, क्या आता है क्या नहीं, सच है तो तफ्तीश करेंगे, झूठा है तो उसको कैंसिल करेंगे। मारपीट भी की गई है, निशान भी है, बच्चे कहीं सीसीटीवी कैमरे भी है क्लास में, वो सारी बातें तफ्तीश में सामने ला देंगे। मैंने आपसे पहले ये निवेदन किया है कि स्कूल स्टाफ से मैं मिल चुका हूँ, अभी मुदई पक्ष से बच्चे से मैं अभी और बात करूँगा और जैसी स्थिति होगी मैं आपको अवगत कराऊँगा और अपनी तफ्तीश को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है।